नाम है संदीप सागर और आपके अपने चैनल लेट्स लर्निंग इंग्लिश विद संदीप सागर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट टू। तो इसमें हम जानेंगे डबल वर्ब को, एबिलिटी को, एबिलिटी का मतलब क्षमता, इसको हाउ टू से बनाएंगे, इंडेफिनिट वर्ड्स को जानेंगे और लॉन्ग सेंटेंसेस को जानेंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है डबल वर्ब, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड, डबल वर्ब की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, और प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेकेंड वर्ब है फ्रेंड, प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है फ्रेंड, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो मैं का आई, जाना का गो टू, खेलने का प्ले और क्रिकेट का क्रिकेट, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू प्ले क्रिकेट। हमारा अगला सेंटेंस है फ्रेंड, वह मुझसे मिलने आता है, ही कम्स टू मीट मी, तो हो जाएगा ही कम्स टू मीट मी। हमारा अगला सेंटेंस है फ्रेंड, विद्यार्थी किताब खरीदने बुक स्टोर जाते हैं, स्टूडेंट्स गो टू बुक स्टोर टू बाय बुक्स, वह मुझसे मिलने नहीं आती है, शी डज नॉट कम टू मीट मी, क्या तुम उससे मिलने जाते हो, डू यू गो टू मीट, अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने पार्ट वन नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसको पहले देखिएगा, उसको बाद इसको देखिएगा। तो हमारा अगला कंसेप्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्षमता फ्रेंड, और इसको हाउ टू से बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस हाउ टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड, सेंटेंसेस को देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, या बोलेंगे आप मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, या बोलेंगे आप मुझे पता है अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो सभी का सेंस एक ही होता है फ्रेंड, कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो ये तीनों सेंटेंस का एक ही इंग्लिश होगा फ्रेंड, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू के बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगला सेंटेंस, तुम्हें डांस करना आता है, मतलब इसका मतलब तुम्हें पता है डांस कैसे किया जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी तुम्हें पता है, यू नो डांस कैसे किया जाता है, हाउ टू डांस। मुझे पता है सुई कैसे दी जाती है, आई नो मुझे पता है सुई कैसे दी जाती है, हाउ टू इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड सुई देना। उसे खाना बनाना नहीं आता है, मतलब उसे नहीं पता है खाना कैसे बनाया जाता है, तो सी डजेंट नो हाउ टू कुक फूड। क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए फ्रेंड, अगले कंसेप्ट को देखते हैं। इनडेफिनिट वर्ड्स, इसका मतलब हमेशा, अक्सर, कभी कभार, कभी नहीं, शायद ही कभी, या हर दिन। आप ये हमेशा, अक्सर, कभी कभार, कभी नहीं, शायद ही कभी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, लेकिन हर दिन जो ऐसा है वर्ड, वो आप सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं, या सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे फ्रेंड। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं कभी कभार क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो कभी कभार का क्या था फ्रेंड, कभी कभार का समटाइम्स, तो होगा आई समटाइम्स गो टू प्ले क्रिकेट। हमारा दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड, तुम कभी नहीं खेलते हो, कभी नहीं का नेवर, यू नेवर प्ले। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, आई एवरी डे गो टू वॉक इन द मॉर्निंग,
या आप बोल सकते हैं आई गो टू मॉर्निंग वॉक एवरी डे, या आप बोल सकते हैं एवरी डे आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। आप एवरी डे का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं, या सेंटेंस के आखिरी में भी कर सकते हैं। तुम शायद ही कभी वहाँ जाती हो, यू सेल्डम गो देयर। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि आप ये सभी का, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन आप एवरी डे का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले, या फिर सब्जेक्ट के सेंटेंस के आखिरी में। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी कंसेप्ट है फ्रेंड लॉन्ग सेंटेंसेस, जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश में लंबे लंबे वाक्यों को कैसे बोलें। तो आज हम इसी को सीखेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं हर रविवार सुबह 7 बजे अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ये एक लंबा वाक्य फ्रेंड्स, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, आई गो टू प्ले क्रिकेट, मैं खेलने जाता हूँ। कब जाता हूँ? हर रविवार, एवरी संडे। कितने बजे? सुबह 7 बजे, एट 7 o'clock। किस टाइम? सुबह, इन द मॉर्निंग। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, विथ माय फ्रेंड्स। कहाँ? इन द फील्ड। तो इसको बोलेंगे आई गो टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग विथ माय फ्रेंड्स इन द फील्ड। सेकेंड सेंटेंस को देख, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, उसके बाद टहलने पार्क जाता हूँ और 7 बजे घर वापस आ जाता हूँ। तो इसको बोलेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन गेट फ्रेश, फ्रेश होता हूँ, आफ्टर डैट, उसके बाद टहलने पार्क जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और 7 बजे घर वापस आ जाता हूँ, देन कम बैक होम एट 7 o'clock। तो आपने देखा फ्रेंड्स लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछें। थैंक यू।